ने इंग्लिश में कहा था मुझे, इस रास्ते उनका इंग्लिश वाक्य आपके सामने रखूंगा जो मेरे लिए हो गया मंत्र। नेशंस डिके व्हेन दे लूज कॉन्टैक्ट विद नेचर। जिन राष्ट्रों का परिचय रहा नहीं आसपास की कुदरत के साथ, वो नेशंस क्षीण होते हैं, उनका क्षय होता है, ये इसका अर्थ है। इस वास्ते खेती के साथ, निसर्ग के साथ संबंध रखना अत्यंत आवश्यक है। इस सिलसिले में वेद ने एक वाक्य आया है। वेद के वाक्य का अर्थ यह है कि सृष्टि में होना चाहिए सौंदर्य और समाज में होना चाहिए सौजन्य। समाज का सौजन्य और आसपास की सृष्टि का सौंदर्य दोनों मिल करके जीवन परिपूर्ण बनेगा। ये दो चीज़ें जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। सौजन्य को वेद ने वसु नाम दिया है, वसु यानी सौजन्य, और सौंदर्य को वाम नाम दिया है, वामम यानी सौंदर्य। तो कहा कि वामम वामम वो दिव्याय धाम ने वसु वसु वस पार्थिवाय सुनवते। जो पृथ्वी पर काम करेगा, पृथ्वी ऊपर काम करेगा, उसके लिए हृदय भी चाहिए वसु। वसु यानी एडजस्टिंग नेचर, वस धातु का अर्थ है, सौजन्य ये उसका भावार्थ हुआ। और दिव्य धाम यानी सारी सृष्टि, उस सृष्टि में होना चाहिए वामम वामम यानी सौंदर्य। तो सृष्टि का सौंदर्य और मनुष्य का सौजन्य, दो चीज़ इकट्ठा होना चाहिए। इस वास्ते खेती के साथ संबंध हर एक का होना ही चाहिए, ये मेरा आग्रह है। उद्योगों में एक हो गया योग, दूसरा हो गया उद्योग, अब तीसरा सहयोग। इस सहयोग के अंदर सारा समाजशास्त्र का, मानसशास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादि सब उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन मुख्य वस्तु क्या होगी सहजीवन के लिए? हमको सबको इकट्ठा जीवन जीना है, हमारा सहजीवन हमको करना है। सहजीवन में अनेक भाषा, अनेक प्रांत भेद इत्यादि इत्यादि सब खत्म होने चाहिए सहजीवन में। और हमको किसी ने कल कहा हम भारतीय हैं, ऐसी भावना सबको होनी चाहिए, न कि हम महाराष्ट्रीय, हम गुजराती और हम कौन तेलुगु और तमिल इत्यादि इत्यादि। उच्चारण करते उत्साहता है, क्यों उत्साहता है? एंगल तमिलना हमारी, और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, अरे हमारा। इस वास्ते अमेरिकन लोग कबूल नहीं करेंगे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, लेकिन हम कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हमारे सोनार बांग्ला, हमारे सोनार, अरे हमार ईश्वर सोनार। अगर हमार नहीं होता तुम्हारा आकाश, तुम्हारा बाटास, अरे वारे वार तुम्हारी हवा, वारे वार तुम्हारा वायु प्रकाश, और तुम्हारा आकाश कितना सुंदर, बंगाल का आकाश कितना सुंदर आकाश है कहाँ। हम बचपन में ऐसा ही बोलते थे, मारा तुझे स्पर्श ने शुद्ध धारा, मरा रा धरा भाग्य है केवड़े, मेरा कितना भाग्य है कि तेरी सुंदर हवा मुझे मिली इत्यादि इत्यादि। ऐसे प्रमाण कौन है, मैं हूँ मुख्य। हर एक देश के अपने अपने राष्ट्रगीत होते हैं। एक दफा राष्ट्रगीत मेरे संग्रह किए थे, राष्ट्रगीत पढ़ने लगा, झाम्बिया का राष्ट्रगीत, हे धन्य झाम्बिया, हे तेरू मातृभूमि, और तेरी हवा कितनी सुंदर, और तेरा आकाश और तेरा प्रकाश। अब वायु को पूछा जाए, अरे वायु तो कहाँ का है, झाम्बिया का है कि बांग्ला का है कि इंडिया का है? वायु को पूछना चाहिए तो कहाँ से आया, कहाँ जाएगा तो कहाँ का है। लेकिन हमारे देश की हवा, इसका मतलब क्या, हमारा ये अहम, ये जो अहम गंड है ये मुख्य है। तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्रीय गुजराती सब जाना चाहिए और हम भारतीय हैं ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हम भारतीय हो
ये छोटी सबसे छोटी मांग है आज की, लेकिन मैक्सिमम नहीं है और ऑप्टिमम भी नहीं है, ये मिनिमम है। तो क्या जरूरी है? जरूरी है विश्व मानव, हम विश्व मानव है ऐसी भावना चाहिए। और मैंने देखा हम तो आज गाते हैं भारत के गीत और अपने प्रांतों के गीत, लेकिन वेद में पृथ्वी सूक्त है, भारत सूक्त नहीं है। अब पृथ्वी का वर्णन किया है, नाना धर्माणम पृथ्वीं विवाचसम, ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी मातृभूमि जिसमें नाना धर्माणम अनेक धर्म हैं और विवाचसम अनेक वाणियाँ अनेक भाषाएं हैं। तो अनेक भाषाओं से भरी और अनेक धर्मों से भरी हमारी ये पृथ्वी, ऐसा पृथ्वी गीत है वेद में। तो इस वास्ते हमको समझना चाहिए कि हमको विश्व मार्ष बनना है, और इसी वास्ते बाबा ने उद्घोष निकाला, जय जगत, जय जगत से कम चीज़ अब नहीं चलेगी। लेकिन मिनिमम अगर रखना है, कम से कम छोटी चीज़, तो हम भारती हैं, चलो माफ है, हम भारतीय अगर मान लिए तो बाबा को माफ करेगा, चलो। तो यह मैं कह रहा हूँ आपको सहयोग के सिलसिले में, तो सहयोग में हमको सारी पृथ्वी हमारी है, हम सारी पृथ्वी के मानव एक हैं, ये होना चाहिए। और केवल मानव एक है इतना ही नहीं, आसपास के पशु पक्षी प्राणी, क्रौंज पक्षी के मिथुन का वध किया तो वाल्मीकि को एकदम से दुख हुआ, और प्रेरणात्मक काव्य उनके मुख से निकला, प्रसिद्ध बात है। तो आसपास के सृष्टि पर भी प्रयास प्रवाह होना चाहिए। ये चिड़िया हमारी आसपास इतना सुंदर गाती है, सुंदर खेल करती है, उनकी भी रक्षा होना चाहिए, कौओं की भी रक्षा होनी चाहिए, गायों की भी होनी चाहिए, वट वृक्ष की रक्षा होनी चाहिए, तुलसी की पूजा होनी चाहिए। ये जो भारत का पागलपन है, ये भारतीय पागलपन हमको अत्यंत महत्व का है कि मानव हम हैं ही, कुल के कुल मानव हम, इसके अलावा आसपास की सृष्टि में जो प्राणी हैं वो सब हम ही हैं, इतनी एक रूपता हमको बनानी होगी। ये आज के ज़माने की, विज्ञान के ज़माने की मांग है, क्योंकि विज्ञान ने क्या किया है, सबको नज़दीक नज़दीक लाया है। इस वास्ते सहयोग में सबका सहयोग, प्राणियों का, मानवों का, सबका सहयोग अपेक्षित है। एक इस सिलसिले में एक वाक्य आपको मैं कह करके समाप्त करूंगा ये मेरा बयान। सहयोग के लिए क्या चाहिए? गुणग्रहण चाहिए। हम जितने यहाँ बैठे हैं उनमें से हर एक में असंख्य दोष और एकाध दूसरा गुण भगवान ने रखा है। भगवान ने अपने गुणों में से एकाध दूसरा गुण हर एक को दे दिया और असंख्य दोष। तो दोष है देह के साथ, देह तो जलने वाला है, मरने वाला है, तो देह दोष सारे उसके साथ जल जाएंगे। तो मनुष्य के जो गुण हैं वही उसकी आत्मा का मुख्य स्वरूप है। इस वास्ते हमेशा गुण ग्रहण करना चाहिए। इस सिलसिले में माधव देव का प्रसिद्ध वाक्य है, उन्होंने चार वर्ग किए मानव के, मनुष्य के चार वर्ग, एक अधम, एक मध्यम, एक उत्तम, एक उत्तमोत्तम, ऐसे चार वर्ग किए। और उनका विवरण किया, अधम है केवल दोष लवय, असमी भाषा है, अधम होता है वो केवल दोष लेता है, दूसरों के दोष देखता है। मध्यम है गुण दोष लवे कोरिया विचार, विचार करके मध्यम पुरुष गुण और दोष दोनों देखता है। अक्सर राजनीति के लोगों को गुण दोष दोनों देखना पड़ता है, वो मध्यम श्रेणी में आ जाते हैं। मध्यम है गुण दोष लवे कोरिया विचार, विचार करते हैं, गुण दोष दोनों देखते हैं। उत्तम क्या करता है? उत्तम है केवल गुण लवय, उत्तम केवल गुण ग्रहण करता है। अब उत्तम क्या करता है?
उत्तम है। अल्प गुण कर या विस्तार, अल्प गुण का विस्तार करता है, दूसरे में थोड़ा सा गुण लिखा वो एकदम पहाड़ करके देखता है, वो बढ़ा करके देखता है, वो उत्तमोत्तम पुरुष है। इस प्रकार से हमको एक दूसरों के गुणों को उत्तमोत्तम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, आज हमेशा गुणगान ही करना चाहिए। मेरे राणा जी मैं गोविंद गुण गाना, मेरे राणा जी मुझे केवल गोविंद के गुण गाना है, और कुछ करना नहीं है। गोविंद हरेक में भरा हुआ है, इसलिए हरेक के गुण गाना। नानक महाराज ने यही कहा, नानक ने कहा विनु गुण की ते भगति न होई। जब तक आप गुण ग्रहण नहीं करते तब तक भक्ति का स्पर्श आपको होगा नहीं। भक्ति का अर्थ है गुण ग्रहण करना। तो नानक की वही राय है, और माधव देव की वही राय है, और मीरा की वही राय। बचपन में क्या था, बाबा हर एक की अकल की परीक्षा करता था, उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, उसमें फिर बाबा ने झंडा छोड़ दिया। बाबा ने कहा कि बिना दोष वाला आदमी दिखता ही नहीं है। फिर अपना देखना शुरू किया तो यहाँ भी काफ़ी दोष दिखे, लेकिन वो सबके दोष देखने के बाद देखे, पहले देखे नहीं थे। पहले अगर देखे होते हैं तो दूसरों के देखने की इच्छा वो नहीं होती, लेकिन पहले दूसरों के दोष दिख लिए बाद अपने लिए। तो कायराम ने कहा कासे आ गुण दोष वानुवाणी कांचे मद काय क्या चे गुण ऐसे। दूसरों के गुण दोष में क्या कहूँ, मुझे क्या कमी है। इस वास्ते अपना ही दोष देखना अच्छा रहेगा। फिर हम गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने कहा दूसरों का जो गुण है वो बढ़ा करके देखना, और अपना जो दोष है वो बढ़ा करके देखना। तो मैंने कहा आप तो सत्यनिष्ठ हैं और सत्य को महत्व देते हैं, तो सत्य है ऐसा देखा जाए, क्यों बढ़ा चढ़ा करके देखा जाए। अपना जितना होगा उतना अपना देखा जाए, जितना दूसरों का होगा उतना देखा जाए, उसको बढ़ा के क्यों जोना। मैथमेटिक्स में बैठा नहीं बढ़ाना, मैं तो गणित शास्त्र का विद्वान। मैंने कहा कि जितना है उतना देखना। तो बोले तेरी बात ठीक है, परंतु सोचने की बात है कि अपना स्केल बढ़ाने की बात है। अपना जो दोष होता है वो जितना होता है उससे छोटा दिखता है, इस वास्ते बड़ा करने पर प्रॉपर पर्सपेक्टिव आ जाता है। और वैसे ही दूसरे की बात है, दूसरे का गुण बिल्कुल छोटा दिखता है, होता जा रहा है, बड़ा होता है, इसलिए स्केल बढ़ाने से पर्सपेक्टिव ठीक आता है। तो वो बात मेरे ध्यान में आ गई। तो फिर वो प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया। उसके बाद एक तीसरी अवस्था आ गई, जिस अवस्था में आज बाबा है। और वो अवस्था ये कि दूसरों के भी दो गुण ही देखना और अपने भी गुण ही देखना, गुण के अलावा देखना ही नहीं, अपना भी गुण ही देखना। बाबा को पूछते हैं सातत्य योग कैसा सदना चाहिए, जैसा बाबा को सदता है वैसा। बाबा ने एक विचार मन में तय किया तो सतत निरंतर करता रहेगा, ये बाबा में एक गुण है सातत्य योग, ये बाबा का गुण है। और बाबा का क्या गुण है, बाबा में करुणा भरी है, दिनों के वास्ते करुणा है। और क्या गुण है, और यह है कि संतों के वाक्यों पर श्रद्धा है। तो एक है श्रद्धा, दो है करुणा, और तीन है सातत्य योग, और बाकी है असंख्य दोष। परंतु उन दोषों का बाबा विचार करता नहीं, बाबा के तीन गुण है वो आपके सामने रखता है। ऐसे आपके भी अनेक गुण हैं, उतने देखना, अपने भी गुण ही गाना और दूसरों के भी गुण ही गाना। मेरे राणा जी मैं गोविंद गुण गाना, मेरे राणा जी मैं गोविंद गुण गाना। तो अपने भी गुण ही गाऊँगा और दूसरों के भी गुण गाऊँगा। ये आगे की तीसरी अवस्था अभी बाबा को प्राप्त हुई है,
हाँ वही आपके सामने बाबा ने रखा कि सहयोग के लिए अत्यंत आवश्यक और लाभदायी ये है गुण ग्रहण। इसको मैंने नाम दिया है गुण चुंबक वृत्ति। एक होता है लोह चुंबक, और लोह चुंबक क्या कहता है, मिट्टी में अनेक प्रकार के कण पड़े हो, लेकिन अगर थोड़े से मिट्टी में लोहे के कण हो तो लोहे के कण को खींच लेगा, इसका नाम है लोह चुंबक। वैसे हमको बनना चाहिए गुण चुंबक, मनुष्यों में गुण दोष पड़े होंगे, उनमें जो गुण होंगे एकदम खींच लिए। ये शक्ति अगर हम में हो तब तो सहयोग बहुत अच्छी तरह से रहेगा। एक उद्योग, एक सहयोग, एक योग, और तीनों के लिए क्या क्या करना चाहिए ये मैंने आपके सामने रखा। अब एक आखिरी फैड हमारा है, बाबा का फैड। उतना कह करके समाप्त करूँगा। उसका जिक्र आपने आरंभ में किया कि बाबा इन दिनों नागरी लिपि पर जोर दे रहा है, और उसका अभी ध्यान नागरी लिपि पर चल रहा है। नागरी लिपि अगर हिंदुस्तान के सब भाषाओं के लिए चले तो हम सब लोग बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे। खास करके दक्षिण की चार भाषाओं के लिए बड़ा लाभ होगा, वो चार भाषाएं अत्यंत नज़दीक हैं। उनमें संस्कृत शब्दों के अलावा उनके अपने जो प्रांतीय शब्द हैं, तेलुगु के, तमिल के, और कन्नड़ के, और मलयालम के, वो समान है, बहुत से समान शब्द हैं। वो अगर मान लीजिए नागरी में आ जाते हैं तो ये सब भाषा, चारों भाषा, दक्षिण की चारों भाषा के लोग 15 दिन में सीख सकेंगे, इतना आसान है। लेकिन अनेक के अनेक लिपियाँ हैं, वो लिपि जब सामने आ जाती है एकदम टकराता है चित्त। लेकिन बाबा ने हिम्मत किया, हिंदुस्तान की सब जबानों का अध्ययन किया, उसके लिए हर एक लिपि का अध्ययन किया, परिणाम ये हुआ कि बाबा की आठ आना अंधा है। अब इतना अंधत्व आपको मैं बख्शूँ ठीक नहीं, इस वजह से बाबा ने सोचा कि अगर वो लिपियाँ आने का है वो भी चले, मैं उनका विरोधी मैं नहीं हूँ, मैं तो भीवादी हूँ, वो भी चले और नागरी भी चले, नागरी ही चले ऐसा मैं नहीं कहता, मैं भीवादी हूँ। मैंने गीता में सीखा ना निरस्ती की वादी ना, ऐसे वादी होते हैं जो कहते हैं हम कहते हैं वही होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं, तो वैसा मैं नहीं हूँ। इस वास्ते हर एक भाषा के लिए यहाँ अपनी अपनी जो लिपि चलती है वो भी चले, उसके साथ साथ नागरी भी चले। मैं वेलूर के जेल में गया था, वहाँ 1.5-2 साल रहा, तो वहाँ मैंने दक्षिण की चार भाषाएं एकदम सीखना शुरू किया। वहाँ शिक्षक थे अपने जेल में, लोग भिन्न भिन्न जाति भाषा के लोग थे, उनके पास सीखना शुरू किया। तो किसी ने मुझे पूछा कि विनोबा जी आप चार भाषाएं एकदम क्यों सीखते हैं, चार भाषाएं एकदम क्यों सीखते हैं, तो मैंने कहा 5 नहीं है इसलिए, अगर 5 होती तो 5 सीखता, लेकिन 4 ही है इस वास्ते 4 सीख रहा हूँ। और मैंने देखा कि उन भाषाओं में अत्यंत समानता है, परंतु केवल लिपि के कारण टूटे हुए हैं, और एक बन नहीं सकते, एक दूसरों का साहित्य पढ़ नहीं सकते, ऐसी हालत हो गई है। इस वास्ते अगर दक्षिण भारत के लिए ये हो जाए अत्यंत लाभ होगा, उत्तर भारत के लिए उतना लाभ नहीं है, क्योंकि उत्तर भारत की जो लिपियाँ हैं वो बहुत नज़दीक नज़दीक है। बंगाली यानी क्या, बंगाली ने टेढ़ी मेढ़ी नागरी, नागरी गोल होगी ऐसी टेढ़ी होगी, ट्रैंगुलर हो गई बंगाली। और ओडिया वाले लोग है कि नहीं आपको कोई है, ओडिया भाषा यानी लिपि यानी क्या, एक छोटा सा इतना को और इतना फेंटा उसको है, एक को पहचानने का कौन है, एक को, और नागरी का जो को है वही को, दूसरा कह नहीं वही को, लेकिन छोटा सा। हाँ मैंने इसमें कहा है मिया उठ भर दाढ़ी हाथ बोल, एक मुट्ठी भर मिया दाढ़ी हाथ बोल उसकी, वैसे उनका इतना बड़ा फेटा ऐसा है। तो इस वास्ते वो बिल्कुल नज़दीक है नागरी के, तो नागरी करने से उनको ज़्यादा लाभ नहीं, थोड़ा सा लाभ है, क्योंकि दूसरी तीसरी भाषा सीखने का मौका मिलेगा।
लेकिन ज्यादा फायदा है दक्षिण भाषा के लोगों को। आज नागरी में क्या है ये आपके सामने रखता हूँ। नागरी में एक है संस्कृत साहित्य, दो है पाली साहित्य, तीन है मागरी साहित्य। ये तीनों साहित्य पूरी तरह से भरे हुए हैं संस्कृत नागरी लिपि में। इसके अलावा नागरी में है एक हिंदी भाषा, एक मराठी भाषा, एक नेपाली भाषा। नेपाल की भाषा की नेपाली है लेकिन लिपि नागरी है। परिणाम यह है कि यहाँ बैठे बैठे बाबा ने नेपाली सीख लिया। बहुत कठिन नहीं है, लिपि मिल गई। एक बगली कोश लिया, बगली कोश यानी पॉकेट डिक्शनरी, ऐसे लोग बगली कोश कहते हैं। तो बड़ा सुंदर शब्द है बगली कोश। उस कोर्स के आधार से यहाँ घर बैठे भाषा सीख लिया। तो ये इतना है साहित्य संस्कृत भाषा में, नागरी लिपि में। अगर दक्षिण की नागरी लिपि हो जाए उनकी अपनी लिपि के साथ साथ, तो क्या होगा? सारे दक्षिण वालों को चारों भाषाएं जल्दी सीखने का मौका मिलेगा, प्लस हिंदी, संस्कृत, मराठी इत्यादि इत्यादि। तो भारत की एकता के लिए अत्यंत लाभदायक है, ऐसा बाबा का विचार है। इस वास्ते बाबा ने यह तय किया कि नागरी लिपि के प्रचार के लिए हम काम करें। हमने हमारे कार्यकर्ताओं को कहा कि देखो भैया, तुम ज़रा सोचो, हम लोगों ने ग्राम दान, भूमि दान में 12-12 साल बिताए और काफ़ी काम किया, 10-15 लाख एकड़ ज़मीन बटी इत्यादि इत्यादि, ये हमारी महिमा। परंतु 50 साल के बाद ज़मीन के और टुकड़े हो जाएंगे, लोक संख्या दुगनी 2.5 गुना हो जाएगी, उस हालत में आपके काम को सब लोग भूल जाएंगे। याद रखे तो इतने याद रखे, एक बेवकूफ़ बाबा हो गया था, बस इससे ज़्यादा नहीं। बाकी हमारा काम लोग भूल जाएंगे, परंतु अगर हमारे प्रयत्न से भारत भर में नागरी लिपि चली तो हजारों साल का स्मरण रहेगा। और भारत की एकता के लिए सर्वोदय के सेवकों ने महान कार्य किया, ऐसी उनकी प्रतिष्ठा रहेगी। ये इस सिलसिले में मैंने लोगों को कहा कि ज़्यादा क्रांतिकारक है आपका ग्रामदान का कार्य, जितना क्रांतिकारक है उससे ज़्यादा क्रांतिकारक ये काम है, ऐसा मैंने हमारे लोगों को समझाया और उनको प्रेरित किया है कि इसका तुम प्रचार करो। बाबा तो यहाँ तक पागल हो गया। अभी ध्यान की खूबी है, अभी ध्यान में जिस वस्तु पर अपना कंसंट्रेशन करना होता है और जिसको तीव्र प्रेरणा देना होता है, उसके साथ अपने हृदय को जोड़ना होता है। इस वास्ते बाबा ने तय किया कि इंडियन इंग्लिश भी बाबा नागरी में पढ़ेगा। हाँ, उधर का जो इंग्लिश है, अमेरिका के पत्र बाबा के पास आते हैं, जापान के आते हैं, चाइना के आते हैं, अनेक जगह के आते हैं, लेकिन वो जो पत्र हैं वो बाबा इंग्लिश में पढ़ेगा, रोमन लिपि में पढ़ेगा। पर तो हिंदुस्तान की जो इंग्लिश होगी, इंडियन इंग्लिश, वो इंडियन इंग्लिश नागरी में होना चाहिए, तब बाबा पढ़ेगा। नहीं तो इंडियन इंग्लिश रोमन लिपि में बाबा पढ़ेगा नहीं। तो हमारे शेवड़े जी घबरा गए, घबरा करके उनका नागपुर टाइम्स चलता है अंग्रेजी में, उन्होंने मान्य किया, गुरुदक्षिणा नाम दिया उसको। ठीक है, आपको इतनी गुरुदक्षिणा देंगे कि हर हफ्ते एक दिन आधा कॉलम अंग्रेजी मैटर हम नागरी में देंगे। ऐसा उन्होंने आरंभ किया है। इस वास्ते हम इस गुरुदक्षिणा के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। एक इसी सिलसिले में बाद मैंने शहर नमूना के तौर पर सोचा है कि कोर्स में बनाऊँ नागरी में, जापानी के कोर्स, चीनी के कोर्स, जर्मनी के कोर्स और इंग्लिश कोर्स, इतने चार कोर्स बनाने के लिए मेरे पास सामग्री है। तो वो कोर्स अगर सरकार की मदद मिले तो सरकार की मदद से तुरंत हो सकता है, उनके विद्वानों की मदद से, कि नागरी में बना लूँ। उसके नमूना के तौर पर एक नकार बना लिया है, इंग्लिश में एक नकार ले लिया, एक न इंग्लिश में, एक न है एन में, एनो नो, यह है इंग्लिश शब्द को नकार। तो इसमें लगभग 90-95 शब्द है नकार में, लेकिन एक नकार, एक आता है एन में, दूसरा आता है के में, के एन डब्ल्यू नो, तीसरा आता है जी में, जी एन ए डब्ल्यू नो,
वो इसकी है कि नास्टिक यानी जी में आएगा वो, और एक आता है पी में न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया पी में जाएगा, तो एक ही न कहा एन के जी पी, इससे बढ़कर अराजक क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी वो चला, क्योंकि दुनिया भर में वो पहुँचे और दुनिया भर की कुछ न कुछ सेवा की, दुनिया भर की भाषाओं का अध्ययन किया, ये सारा पराक्रम उन्होंने किया, इस वास्ते चल रहा है। परंतु हम अगर अपना नागरी में कोर्स बनाएंगे तो मेरा ख्याल है वो कोर्स भी ऑक्सफर्ड डिक्शनरी वाले प्रेमपूर्वक एक्सेप्ट करेंगे। इससे ज़्यादा आपका समय लेना नहीं, कुछ नाम।